हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज 24/7। आज हम देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग का टॉपिक है इंग्लिश अल्फाबेट। तो चलो ये देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है आपकी स्क्रीन पे कि में है, ठीक है, पी आर ई ए एम बी एल ई, ठीक है, एम बी एल ई, ठीक है। हम लोग को इसमें क्या निकालना है, पेयर निकालना है। तो चलो देखो पेयर यहाँ पे क्या क्या होगा बताओ। जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये तो नहीं हुआ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये भी नहीं हुआ, ई एफ जी एच आई जे ये भी नहीं हुआ, ए बी सी डी इसका भी नहीं हुआ, बी सी डी ई एक पेयर यहाँ पे हुआ ए से ई का, ठीक। अब एम का देखते हैं, एन ओ पी ये नहीं हुआ, बी सी डी ये भी नहीं हुआ, एल ई ये भी नहीं हुआ। अब देखो उल्टे साइड देखें, ई का एफ जी एच आई जे के ये भी नहीं हुआ, एल एम एन ये नहीं हुआ, बी सी डी ई, ठीक है, तो बी से ई का एक पेयर हुआ, ठीक। ई एफ अब नहीं हुआ, एम के बाद एन ओ पी क्यू ये नहीं हुआ, बी ए का देखें बी सी डी ये भी नहीं हुआ, ई का एफ जी एच ये भी नहीं हुआ, ई का एफ ही, यहाँ पे टोटल कितने हुए, दो पेयर हुए। क्या क्या, ए ई और बी ई, ठीक है। तो दो जो है ऑप्शन में दिया होगा, बिल्कुल दिया है सी पे, तो यहाँ पे सी जो है आंसर हो जाना है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकोर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, एम ई डी आई सी ओ आर ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकालें, एम का देखें एन ओ पी क्यू आर एस टी ये नहीं होगा, ई का एफ जी एच आई जे के ये नहीं होगा, डी ई एफ जी एच आई ये भी नहीं होगा, आई का जे के एल एम ये नहीं होगा, सी का देखें डी ई एफ ये नहीं होगा, ओ का देखें पी क्यू नहीं होगा, आर का एस नहीं होगा। अब उल्टे साइड देखते हैं, ठीक है, तो ई का एफ जी एच आई, ई और आई एक पेयर हो गया, एफ जी एच आई, ठीक। अब आगे देखते हैं जे के ये भी नहीं होगा, आर का देखें एस टी यू वी डब्ल्यू ये भी नहीं होगा, ओ का एफ पी क्यू आर ये नहीं होगा, सी का डी ई ये नहीं होगा, आई का देखें जे के ये भी नहीं होगा, डी का ई डी और ई डी का ई हो जाएगा। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ भी दो पेयर हैं, ठीक है, दो कौन कौन से, आई ई आई और डी ई, तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। देखो तो दो बिल्कुल दिया है, कहाँ पे दिया है सी, तो यहाँ पे सी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रोनिकल सी एच आर ओ एन आई सी एल ई। अब इसमें क्रोनिकल में हम लोगों को क्या निकालना है, पेयर निकालना है, तो सी का देखें डी ई एफ जी एच आई ए डी होगा, जे आई एच का देखें आई जे के एल एम ये नहीं होगा, आर का देखें एस टी यू वी डब्ल्यू ये भी नहीं होगा, ओ का देखें ओ पी क्यू आर एस टी ये भी नहीं होगा, एन का एन ओ पी क्यू आर ये भी नहीं होगा, आई का देखें जे के एल ये भी नहीं होगा, सी का डी ई, तो सी का ये हो गया एक पेयर। अब उल्टे से देखें, ई का देखें एफ जी एच आई जे के एल ये नहीं होगा, एल का एम एन ओ ये नहीं होगा, सी का देखें डी ई एफ जी एच डी ई एफ जी एच, तो सी और एच हो गया, ठीक। अब देखें आई का जे के एल एम एन ये नहीं होगा, एन का ओ, ठीक, तो यहाँ पे कितने हो गए, तीन हो गए, कौन कौन से, सी ई और
सी एच आर एन ओ। ठीक, अब इसका भी देख सकते हैं, ओ पी क्यू आर ये नहीं होगा आर का, एस टी ये नहीं होगा एच का, आई नहीं होगा, तो यहाँ पे तीन पेयर हैं। तो तीन जो है ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, कहाँ डी पे दिया है, तो डी जो है यहाँ पे आंसर हो जाना है। ठीक, अब देख बोल रहा है कि आई ई एस टी में अक्षरों का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आई ई एस टी, ठीक है, आई ई एस टी जो है इसको हम लोग शब्द, ये जो आई ई एस टी जो अक्षर दिए हैं, लेटर्स दिया है, इसको क्वेश्चन है आई ई एस टी अक्षरों का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा बनेगा, तो एस आई टी ई साइट बन जाएगा, और क्या बनेगा, टी आई ई एस, टाइस मीन्स क्या होता है, बांधना होता है। ठीक, और ये साइट तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना हुआ, दो हुआ, तो दो ऑप्शन में दिया है क्या, जो दो वर्ड बनाए जा सकते हैं, दो बिल्कुल दिया है, तो ए पे दिया है, तो ए जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पी, छठवा टी, और कौन सा बोला है, दसवां, दसवां में कौन सा है, ए, और ग्यारहवा एल। इन पांच जो है लेटर्स को लेकर अगर कोई सब वर्ड बन सकता है, अगर एक एक क्या है, एक वर्ड बनता है, तो इसके लिए हम लोग को एक्स आंसर देना है, अगर एक से अधिक बनेगा तो क्या देना है, वाई जो है आंसर होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, तो यहां पे अगर आप देखें तो देखो यहां पे दो वर्ड बनेगा। ठीक, क्या क्या, प्लेट, प्लेट आप तो जानते ही हो, और एक बनेगा पेटल, इसका मतलब होता है पंखुड़ी। ठीक, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो वाई होगा। ठीक, तो वाई कौन से नंबर पे दिया है, वाई जो है ई नंबर पे दिया है, तो ई जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आया, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आई एफ ई एल, आई एफ ई एल, ठीक है, आई एफ ई एल शब्द, आई अक्षरों, आई एफ ई एल से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द एक अक्षर का एक बार ही प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्या क्या बना सकते हैं, एल आई एफ ई, लाइफ, ठीक है, अब एफ आई एल ई, फाइल भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, एल आई ई एफ, ठीक है, लाइफ, लाइफ मीन्स क्या होता है, खुशी पूर्वक सहमत होना, खुशी पूर्वक सहमत होना, तो यहां से कितने बन गए, देखो कितने, तीन बन गए, तो यहाँ पे ऑप्शन तीन दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, कहाँ पे, डी नंबर पे दिया है, तो डी जो है आंसर। यदि शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके एकांतर अक्षर के वर्णमाला को अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तथा शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था के होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथे स्थान पर आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है वर्किंग, ठीक, वर्किंग जो है शब्द दिया है, तो इसमें बोला है कि आधे लेटर्स को जो है अगले में, जबकि आधे को उसके पिछले लेटर्स, मींस एक प्लस वन एक माइनस वन लेटर में अगर बदल दिया जाता है, ठीक है, तो जो है इधर दाएं से जो है चौथे स्थान पर क्या लेटर होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो वर्किंग का अगर W का करें, ठीक है, प्लस वन करें तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, इसका करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन करें तो यहाँ पे एन हो जाएगा,
इसका प्लस वन करें तो एस होगा, इसका प्लस वन अब माइनस वन करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसमें प्लस वन करें तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इसमें माइनस वन करें तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसमें प्लस वन करें तो क्या होगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें बोला है दाएं से तीसरा। अब दाया बाया क्या होता है, ये साइड दाया है, ये साइड बाया है, तो दाएं से तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो है यहाँ पे जे जो है आंसर होगा। ठीक है, तो जे दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, सी पे दिया है, तो सी आंसर पे हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे हम लोग को सॉल्व क्या करना है, जितने वॉवेल दिया है उसमें प्लस वन करना है, जितने कंसोनेंट दिया उसमें माइनस वन। तो चलो तो वोवेल कौन कौन से हैं इसमें, जिसमें प्लस प्लस वन होगा, ये ई में होगा, इसमें होगा, इसमें प्लस वन होगा, और कोई वोवेल है क्या, नहीं है। तो ई का एफ हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, यू का भी हो जाएगा। ठीक, अब इसमें सब में माइनस वन होना है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो डी का सी, एफ का ई, एल का के, टी का एस, एस का आर। ठीक, तो अब देखो कितने कौन कौन से लेटर रिपीट हुए, ये एफ आया, ई आया और एस आया, तो यहाँ पे कितने लेटर हैं, तीन लेटर हो गए। तो तीन आंसर पे दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, डी पे, तो डी जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे टाइप से सॉल्व करना है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एस एच कैवेंडिश, सी ए बी ई एन डी आई एस एच। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग को देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो वोवेल दिए रहेंगे उसको हम लोग को जमाना है, फिर कॉन्सोनेंट को जमाना है, लेकिन कैसे जमाना है, नंबरिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, नंबरिंग का सी का थ्री होता है, ए का वन, बी का 22, ई का 5, एन का 14, डी का 4, आई का 9, एस का 19, एच का 8। ठीक, तो हम लोग को जमाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कर दो क्या होगा, ए ई आई। ठीक, आई ओ यू और आगे है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं उसके बाद क्या लेंगे, सी। ठीक है, सी डी और नाइन लेंगे, आई सॉरी सी डी फिर एच आई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एन एच आई एन एस भी हो गया। ठीक है, देखो ए आई को पहले लिख दिए, ए आई क्योंकि पहले इसमें वोवेल को बोला है, उसके बाद किसको बोला है, कॉन्सोनेंट को बोला है, लेकिन इसको सीक्वेंस वाइज नंबरिंग वाइज हम लोग को जमाते जाना है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी डी एच आई एन एस बी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बोला है छठवें लेटर, अगर दाएं से छठवें देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, दाएं से छठवें जो है ये होगा, जबकि इसमें पूछा है तीसरा, तीसरा जो लेटर होगा वो क्या होगा, एन होगा, ये तीसरा लेटर होगा। तो एन दिया है क्या ऑप्शन में, देखो बिल्कुल दिया है, कहाँ पे दिया है, सी नंबर पे, तो सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्द को चुनिए जो मूल शब्द के अक्षरों में से नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता वो शब्द हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो दिया है S T U P E N D O U S, P E N D O U S। ठीक है, अगर इसको देखें तो ऐसा कौन सा शब्द जो है इसमें नहीं बनाया जा सकता, आप ऑप्शन से देख के बताओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो पूछा है पेन, पेन बनाया जा सकता है क्या, इसमें तो दिया है ऑलरेडी पेन। ठीक है, टेप, टी ए ए तो नहीं दिया है, तो टेप जो है यहाँ पे बी जो है आंसर हो जाएगा, टी ए पी ई। ठीक, कुछ देखना ही नहीं है, बी ऑप्शन पे लगा देना है, बाकी हो जाएगा। जैसे कि अब तीसरा देखें चेक करने के लिए, स्टॉप, तो एस दिया है, टी दिया है, ओ दिया है, पी दिया है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, डोंट,
डी दिया है, ओ दिया है, एन दिया है, टी दिया है, तो ये भी बन जाएगा। तो जो नहीं नहीं बनेगा वो पूछा है हम लोग को, तो यहाँ पे टेप नहीं बनेगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लाफ्टर, एल ए यू जी एच टी ई आर, आई थिंक ये सबसे ईजी है। ठीक है, इसमें जो है क्या नहीं बनेगा बताओ, हिल, देखो हिल जो है एच है, ई है, ए है, एल है, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद रियल, आर है, ई है, ए है, एल है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है गेम, जी है, ए है, एम नहीं है, तो यहाँ पे गेम जो है नहीं बनेगा, तो यहाँ पे गेम जो है आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा। ठीक, समझ आया? ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है कारपेंटर, सी ए आर पी ई एन टी ए आर, कारपेंटर। ठीक है, सी ए आर पी ई एन टी ई आर, सी ए आर पी ई एन, सी ए आर पी ई एन टी ई आर, कारपेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या दिया है, कार, कार तो दिख ही रहा है। अब देखते हैं पेंटर, पी ए आई एन टी ई आर, तो पी ए आई तो है ही नहीं, तो यहाँ पे बी जो है ऑप्शन हो जाएगा, पी ए आई एन टी ई आर। ठीक है, तो पेंटर जो है यहाँ पे बी जो है ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो है